के माध्यम से बेहतर कानून व्यवस्था का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ औरैया जनपद में अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। बता दें, कुछ दिन पहले दिन दहाड़े दोहरे हत्याकांड के बाद एक और मामला सामने आया है, जहां दिव्यापुर थाना क्षेत्र के एनटीपीसी चौकी अंतर्गत एक सिरफिरे युवक ने तमंचे से फायर झोंकना शुरू कर दिया, जिसकी सूचना पर पहुंची पीआरबी व चौकी इंचार्ज ने सिरफिरे को दबोच लिया। पकड़े गए युवक से पुलिस ने जिंदा कारतूस, खोखा व एक तमंचा बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि युवक मानसिक रूप से परेशान चल रहा है। पुलिस ने युवक को पकड़ लिया है और उसे थाने ले आई। बता रहा है कि वो डिप्रेशन में है, उसका आपस में कलह है घर से, और पैसे का कुछ लेन देन को लेकर भी उसका विवाद है। कहीं पे कार वार खरीदा था, कोई लेके चला गया। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज वो कट्टा लेकर के, और उसके पास से 8 राउंड जिंदा कारतूस, 3 फायर कारतूस भी मिले हैं। सुबह यहाँ से शुरू किया टोरेंट वाले कार्यालय से, लोगों को धमकाता रहा और फायरिंग करता हुआ आगे बढ़ता था। सूचना पर तत्काल दिव्यापुर इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज NTPC के साथ पुलिस बल को भेजा गया और उसको काबू में किया गया।